हेलो एवरीवन, जल्दी सवारी अमृतसर। कैसे हैं आप सभी? अभी हम जा रहे हैं आज अमृतसर, घूमने का प्लान हुआ तो हम निकल दिए अमृतसर गोल्डन टेंपल देखने। तो अभी हम आ चुके हैं नोएडा और यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। हमारी ट्रेन है 4:30 की, मिलते हैं वहीं पर। ये है भाई साहब हमारी ट्रेन, अच्छी ट्रेन, अच्छा माहौल, अच्छा क्राउड। इन्होंने बना दिया इसको ढाबा। यूपी में जो लोकल बसेस नहीं चलती 10-10 रुपये, ये वो हाल मचा रखा है। देखो चटनी, सॉस, क्या क्या भर रखा है। देखो अच्छा ट्रेन, देखो हमें खाना मिलेगा। ये देखो हम पहुंच रहे हैं लुधियाना जंक्शन। इसके बाद कहां जाएंगे पता नहीं। इसके बाद भगवाड़ा, देन जलंधर, देन अमृतसर। देखो हमारी ट्रेन दिखाओ, न्यू दिल्ली टू अमृतसर जंक्शन। हेलो, अभी जस्ट अभी हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी हमें यहाँ नज़दीकी अपना होटल रूम भी मिल गया है और उसकी छोटी सी झलक। एक बेडरूम ये है, दूसरा वो है, जैसे ही खाली होगा उस पर हम सो जाएंगे। ऐसी रात कटने वाली है, सुबह गोल्डन टेम्पल और बस अपना सीधे वापस। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 2, हम रेडी होके हम निकल गए हैं। सभी ने अभी कैसे नहाया है हम नहीं बता सकते। बस अब निकल चुके हैं गोल्डन टेंपल के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वॉकिंग डिस्टेंस से, हमने पूछ लिया था पहले। तो हम वॉक करते करते निकल चुके हैं। अंधेरे में सब दिख रहे होंगे, मैं हूँ सब दिख रहे होंगे। मैं क्या, मेरी मोहतरमा है वो है बंदा, मैं बस इतना ही बहुत है। बाकी अब चलते हैं, ठीक है। गोल्डन टेम्पल इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। ठंडा हो रहा है, ठंड लग रही है सबको, ठंडा हो रहा है पर मज़ा भी आ रहा है। इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह सामने गेट दिखाई दे चुका है मैं अमृतसर, सॉरी गोल्डन टेम्पल का। दिस इज पार्टीशन म्यूजियम, टाइम हुआ तो ज़रूर देखेंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम एंटर करने वाले थे, जस्ट अभी हमें 2 लोग मिले, मतलब लेडी थी और एक भाई था। और एकदम से उन्होंने जो भी है हमारे थैंक यू बांधना स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि भाई एंटर करना है तो इसलिए पहनना होगा। और जैसे ही पहना के उन्होंने खड़े होकर बोला 20 रुपये पर, हमसे 80 रुपये ले लिए। हम कह रहे ये तो स्कैम का पार्ट है, हमें तो उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, हमारे पास तो थैंक यू थे हमारे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है अब जो भी। गाइस हमें लगा था हम बहुत जल्दी आ चुके हैं और हम टाइम से हैं यहाँ, तो ऑलरेडी हमसे पहले बहुत से लोग आ चुके हैं। Line.
चल चल। जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत थी, हमने जितनी जल्दी की थी कि हम जल्दी पहुंचे और भीड़ कम मिले उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी। अर्ली मॉर्निंग में भी इतने लोग आकर अपना लाइन में लग जाते हैं और हमारे बाद भी बहुत दूर तक लाइन जा चुकी थी भीड़ में। ठंडा बहुत था, एंट्री करने में ही हमें प्रॉपर 2 से 2.5 घंटे लगे थे हमें लाइन में लगते लगते लगते। लास्ट तक जैसे हम पहुँचे थे तो हमने टाइम देखा तो हमें 2.5 घंटे लग चुके थे, तो बहुत टाइम लगा। अगर आप लोग भी कभी आगे से जाएं तो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock तो आपको लाइन में लग जाना है, तो आप जल्दी आप दर्शन कर पाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकता था उतना मैंने रिकॉर्ड किया। फिर हम दर्शन करके, दर्शन बहुत अच्छे हुए, करीब 20 से 25 मिनट हमने वहाँ अंदर स्पेंड किया और हम बहुत लकी है कि हमें इतना टाइम अंदर स्पेंड करने को मिला। इसके बाद हम बाहर आए, अपना कुछ देर रहे वहाँ पर, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर जाएं। आप देख सकते हैं कि ये इतना फ्रेश वाटर है कि यहाँ पर कैटफिश वगैरह इसमें काफ़ी हैं। इसके बाद हमने वहाँ पर कुछ देर स्पेंड किया, फिर आगे जाकर हमने लंगर भी किया और बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप जाना चाहें तो अमृतसर ज़रूर विज़िट करें गोल्डन टेम्पल। यस बीवी, हे बीवी, कैसा रहा आपका अमृतसर गोल्डन टेंपल एक्सपीरियंस? मज़ा आया ना? लंगर खाया अभी? पेट भर गया? आज हमने लंगर में ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अपना लंच भी कर लिया, अच्छे से खा लिया। और गोल्डन टेंपल से निकलने के बाद बराबर में ही है जस्ट मतलब जलियांवाला बाग, तो वो भी ऑब्वियसली अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी विजिट करना बनता है। और जैसे कि सभी को पता है कि जलियांवाला बाग में क्या इंसिडेंट हुआ था, किस तरीके से हमारे जो इनोसेंट पीपल थे उनको गोली मार दी गई थी, तो वो पूरा इंसिडेंट इस तरीके से जब भी आप जाएंगे तो आप एकदम से फील कर पाएंगे कि तो यहाँ क्या हुआ था ऐसा करके, तो बहुत अजीब लगता है। और फिर मतलब आप विज़िट करें तो आपको फील होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कौन सी प्लेस है ये? ये वो कुआ है जहाँ पर ये जब फायर हुआ था तो लोगों ने कूदना शुरू किया था। इसको ग्लास से कवर किया हुआ है, अब दिखेगा नहीं, पूरा ग्लास से कवर्ड है, बाहर ये पूरा ग्लास लगा हुआ है। ये बुलेट स्पॉट्स हैं सारे, ये ओरिजिनल बुलेट स्पॉट्स हैं।
अंदर गए। दो जगह थी वहाँ पर, एक छोटी सी जगह ये थी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री टाइप पूरा भगत सिंह के बारे में बताया गया था, और ऊपर एक थिएटर था मिनी थिएटर, वो भी अभी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पूरा दिखाया गया था पूरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट किस तरीके से क्या हुआ था यहाँ एक्सपेक्टेड, मतलब इस तरीके से। तो बहुत अच्छा था ये जो दिखा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा था, पूरा भगत सिंह के बारे में बताया, और ऊपर जब हम गए तो मिनी थिएटर में वो भी बहुत अच्छा लगा। मर्यादा अति पवित्रता का अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करिए। और इसके बाद सीधे हम चल दिए वॉर मेमोरियल देखने, वहाँ से अप्रोक्स 5 to 6 किलोमीटर दूर था, तो हमने एक ऑटो किया और हम वहाँ सीधे चल दिए, और वहाँ पर ही पास में हमारे भाई भी रहते हैं आकाश भैया, उनके बारे में पूरा बताएंगे। आज है हमारा डे टू और हम आ चुके हैं अमृतसर के वॉर मेमोरियल में, हम भी पहली बार आए हैं, बताया था मैं, सजेस्ट किया था अगर आप यहाँ आए तो वॉर मेमोरियल जरूर घूमने जाना, तो इसके बाद फिर हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। तो पहले वॉर मेमोरियल आए हैं तो देखते हैं हम जो जो इसमें अच्छा होगा, अगर वीडियो बनाने देंगे तो वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज जो होगा हम आपको फिर बाद में वीडियो में बताएंगे क्या था अंदर। उसके बाद जाएंगे अटारी बॉर्डर यानी कि वाघा बॉर्डर, मिलते हैं फिर भाई, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वॉर मेमोरियल की खास बात ये थी कि हमारा अब तक यानी कि वर्ल्ड वॉर टू से लेकर आगे तक जितने भी वॉर हुए थे, जहाँ भी हमारे इंडियन पीपल, सिख पीपल या जो भी हैं उसमें इन्वॉल्व थे, उनके बारे में पूरी स्टोरी ऐसे पोर्ट्रे की गई है, रियलिटी बिल्कुल आपको लगेगी कि बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ है। तो बहुत अच्छे से है, अगर कभी आप अमृतसर विज़िट करें तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करें आप जब जाएंगे। ये INS विक्रांत है, इसमें किस तरीके से अंदर कैसे कैसा होता है तो वो पूरा बनाया हुआ है मॉडल, तो आप इसमें घूम सकते हो, आपको बिल्कुल फील होगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा। और सबसे अच्छी बात है आगे सैम मानेकशॉ, उनके बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से है, सैम बहादुर जो मूवी अभी आई है तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मूवी जस्ट देखी थी हमने उसके बारे में, और इसके अलावा स्टोरी पता चली तो उनके बारे में पूरा बताया गया किस तरीके से उन्होंने क्या क्या इन्वॉल्व किया। और यहाँ पे आप जिनका ये तस्वीर देख रहे हैं ये भी एक रीजन था, ये है शेख मुजीबुर रहमान सर, हाँ इनकी जो पीछे आपने एक जो है मैनकन देखा एयर चीफ अर्जन सिंह जी, 5 स्टार की रैंकिंग मिलने वाले इकलौते एयर चीफ है, बट मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में किसी को पता होगा, रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि नहीं पता। ये हमारे चेक पोस्ट का एक मॉडल था, बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत ही प्यारा, सियाचिन में उसका भी एक मॉडल था, तो ऐसे करके आर्मी चेक पोस्ट बनाए हुए थे, मतलब रियल लगेंगे आपको कि वॉर सिचुएशन में क्या क्या थे और किस तरीके से थे, तो बहुत अच्छा बना।
और फिर उसके बाद हमारे आकाश भी आ गए थे हमें लेने। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अमृतसर में ही रहते हैं, एयरफोर्स में हैं, इनकी पोस्टिंग वहीं थी। इन्होंने फिर उसके बाद आगे का जो भी था हमारा टूर पूरा इन्होंने हमें हेल्प की और हर जगह। इसके बाद हमें वो अटारी बॉर्डर लेके गए, वहाँ दिखाया, हमें टिकट्स दिलाई सबसे पहले, क्योंकि वहाँ टिकट का भी होता है। तो उन्होंने, क्योंकि इनकी है जान पहचान एयरफोर्स में, तो उन्होंने सबसे आगे की टिकट्स हमें दिलवाई, एंट्री सबसे पहले हमारी कराई। मतलब जो हमारी मेहनत वाला काम था वो सारा फिर आकाश भैया ने बिल्कुल ईजीली कर दिया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक्स टू आकाश भैया। यहाँ भी इस वॉर मेमोरियल में इन्होंने ही बताया था इसके बारे में कि यहाँ एक वॉर मेमोरियल है, तो ये भी ज़रूर देख के जाना। तो हम इनकी बदौलत देखने आए। सच्चे और आगे जो कुछ भी वीडियो में आएगा प्योर गूज़बम्प्स। इतना अच्छा लगा कि जो भी परेड थी, कुछ भी ड्रिल करते थे वो, तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे पहले स्टार्ट होने से पहले जितना भी हमारा क्राउड था उसमें से फीमेल्स को बुलाया कि आप यहाँ डांस कर सकते हैं, तो सभी ने यहाँ डांस किया। तो बहुत अच्छा मतलब माहौल था, सामने पाकिस्तान, इधर इंडिया, और ड्रिल स्टार्ट होते ही जो मज़ा आया, एकदम प्योर गूज़बम्प्स, हर बात पर गूज़बम्प्स आ रहे थे। बहुत अच्छे से परेड हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देखना आप अभी। ये उस साइड पूरा पाकिस्तान है, ये जितने भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं उस साइड पूरा पाकिस्तान है। बहुत मज़ा आया आज, अलग ही एक्सपीरियंस था। उनकी परेड देखकर एकदम जोश भरी, परेड देखकर एकदम शोर शराबा, मज़ा आ गया आज। एक अच्छी इवनिंग इस अटारी बॉर्डर पर इंडिया के। और यहाँ से निकलने के बाद आकाश भी हमें फिर लेने आ चुके थे। इस शॉप के बारे में पता लगे, सोनिया आर्ट गैलरी है, वहाँ से हम आपको क्लोथ दिलाएंगे, बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ लेके भी गए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें डिनर पे लेकर गए, फिर अपने शॉप पे लेकर गए, शॉप पे लेने के बाद फिर घर लेके गए। बहुत ज़्यादा केयर की इन्होंने, मतलब हमने प्लान में शामिल नहीं किया था, पर भैया को जैसे ही पता चला कि हम अमृतसर आए हैं, अपने घर ले गए। यहाँ हम ना शॉपिंग करने आए थे, भैया और साथ में भैया और आए थे, और ये भैया 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 भाभी ना हमें शॉपिंग कराने आए थे।
है ना, तो इन्होंने भाभी हमें शॉपिंग कराने आई थी। अब हम भाभी से रिक्वेस्ट करें, भाभी चलें। और कह रहे थे भैया भैया मैं आज आपको ना शॉपिंग, और ये भैया कह रहे हैं अब मुझे यहाँ कमीशन देना पड़ रहा है 200 रुपये कि मेरी वाइफ को कभी मत दिखाना अगली बार से। भाभी आप तो हमें दिलाने आए थे, पता नहीं क्या है। हाईकट ले ले भैया, बस आपके स्वेटर चूहे काट गए, उनका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं गेट खुला छोड़ देता हूँ। लेकिन वो घर में चिट्ठा लगा हुआ स्वेटरों का, उनका कुछ नहीं। अभी तो नीचे भी जाएंगे ना, अभी तो नीचे भी शॉपिंग होनी है। सुनो तुम ही आगे सीधे जाओगी। वो दरवाजा खुला हमारी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग की थी, तो हमने प्लान किया था रात को मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद सीधे रेलवे स्टेशन और ट्रेन पकड़ के घर। तो अभी हमने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रुको, एनिमल मूवी देखने जा रहे हो, मैं यहाँ लगा दूंगा। उन्होंने इसका भी अरेंजमेंट किया और हमारे लिए प्रॉपर ये अरेंजमेंट करके हमें मूवी भी दिखाई। सुबह 4:20 की ट्रेन थी हमारी वापस, तो बस अर्ली मॉर्निंग भैया फिर हमें छोड़ने आए, ट्रेन में बिठाया, उसके बाद सी ऑफ किया। तो थैंक यू सो मच आकाश भैया, आई नो कि आप ये ज़रूर देख रहे होंगे। तो हम सब बहुत खुश हुए थे, क्योंकि तो ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था कि हम अमृतसर जा रहे हैं, आकाश भैया के पास जाएंगे, हमें लगता है कि आप बिज़ी हो तो इसलिए हमने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। बट आपको जैसे ही पता चला आप हमारे पास खुद आ गए और फिर हमें बिल्कुल छोड़ा नहीं, तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा केयर किया आपने। भाभी जी को भी थैंक यू बोलना, बहुत अच्छा लगा। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच भैया, मजा आ गया लास्ट के दिन तो। वीडियोग्राफी इम्पोर्टेंट है, व्लॉग बनाना इम्पोर्टेंट है, और देखो कुछ लोगों की लाइफ में एक फोटो बारी बारी से एक फोटो खींच रहा है और एक हट रहा है, और 5-6 लोग आराम से वेट कर रहे हैं बोटेनिकल गार्डन पर। तो कितना मतलब रहता है सबको कि जब एनी वे डोर जो कि मिल नहीं सकता आपको, अगर मेरे पास सुपर पावर होती जज ना के पूछ सके क्या चाहिए तो मैं उसको एनी वे डोर ऐसे पेट से निकाला, वो तो साथ में है उसके साथ जाते ऐसे निकाला। अब हम अपने घर के वो जैसे डोर खुलेगा ना तो अपने पंचवटी का डोर खोल, बस पंचवटी का भी नहीं घर का, पंचवटी के डोर। ये टीचर्स हैं और ये बड़े हो चुके हैं, कल सुबह ऐसे जब खोलूंगे तो अपने क्लासरूम के अंदर घुस जाएंगे। ये टीचर्स हैं और ये बड़े हो चुके हैं, ये मतलब डोरेमोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। This is my dream, which is I know which will never come true, but still I'll always ask. Right now I am dreaming of कि बस कैसे बस जल्दी से घर के बेड बेड मिले और जाते ही पति एक चाय बना के पिला दे। So guys, ये ब्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। अगर आप लोग अमृतसर विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें, बहुत अच्छी जगह है, और गोल्डन टेंपल और अटारी बॉर्डर ज़रूर देख कर आएँ। आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो लाइक करना, और फिर से आकाश भैया को थैंक यू, इसलिए हमने ये फ़ोटो लगाया था। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।